एक तरफ जहां इजराइल वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में फिलिस्तीनी चरमपंथियों का सफाया कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब उसका तनाव पड़ोसी देश लेबनान से बढ़ गया है। दरअसल लेबनान की तरफ से एक शॉर्ट रॉकेट लॉन्चर से इजराइल की तरफ एक रॉकेट दागा गया था, जिसे इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाया था, और इसके जवाब में इजराइल ने एक के बाद एक 20 रॉकेट लेबनान पर दाग दिए। दरअसल ये पूरा बखेड़ा जजार गांव को लेकर है, जो दक्षिण लेबनान के बॉर्डर पर स्थित है, और इस गांव में कई सीरियाई लोग रहते हैं जिन्हें इजराइल की नागरिकता मिली हुई है, और इजराइल इस हिस्से को अपना मानता है, और यही वजह है कि हालिया दिनों में इजराइल ने इस इलाके की बाड़ेबंदी शुरू की थी, जिसका लेबनान ने विरोध किया था। लेबनान का आरोप है कि इजराइल उसके इस गांव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि ये इलाका दोनों देशों के बीच ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है। इस इलाके पर इजराइल के दावे को लेकर हाल ही में लेबनान के सबसे बड़े चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने एक बयान देकर आग को और भड़का दिया था। हिजबुल्ला ने जजार गांव को लेकर कहा था कि लेबनानी सरकार और लोगों का ये दायित्व है कि वो इस कब्जे को मजबूत होने से रोकने के लिए कार्रवाई करे, आक्रामक कोशिशों को रोके और हमारी भूमि के इस हिस्से को मुक्त कराने और वापस लेने की दिशा में काम करे। आपको बता दें कि इजराइल ने साल 1967 में सीरियाई गांव जजर को अपने में मिला लिया था, और इसके बाद इजरायली नागरिकता रखने वाले लोग उत्तरी लेबनान की तरफ बसते चले गए। हालांकि पहले यह इलाका बंजर था और इसमें दो तिहाई क्षेत्र पर लेबनान अपना दावा करता था, और यही वजह है कि हिजबुल्ला की फिलिस्तीनी चरमपंथियों के साथ मिलकर वेस्ट बैंक में आतंकी वारदातों को अंजाम देना, और दूसरा इस इलाके की वजह से आए दिन लेबनान और इजराइल के बीच छिटपुट गोलीबारी होती रहती है। लेकिन अगस्त 2021 में इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में घुसकर उसकी कई मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया था, और इससे पहले साल 1982 में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण कर दिया था, और इसके बाद ही 1985 में आतंकी संगठन हिजबुल्ला की स्थापना हुई थी, और हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर हमला करते रहते हैं। और इससे पहले जब 1975 में लेबनान में फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान और शियाओं के बीच गृह युद्ध चल रहा था, तब फिलिस्तीनी लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद साल 1978 में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि इजराइल मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन और लेबनान से घिरा हुआ है, और साल 1967 में इजराइल और इन सभी अरब देशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, और ये युद्ध 6 दिनों तक चला था। अकेला इजराइल इन सभी देशों पर भारी पड़ा था, और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल गया था। दरअसल इजराइल ने इस युद्ध में मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलम और सीरिया से गोलान हाइट्स को छीन लिया था, और तब से लेकर अब तक अरब देशों के बीच बसा यहूदियों का इजराइल अकेला देश है जिसका पड़ोसी देशों से लगातार तनाव होता रहता है।